हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल है यार सबके? कैसे हो? खैरियत से हो यार? आज का दिन स्टार्ट ही हमारा वर्कशॉप से हुआ है और अल्लाह करे कि आगे बहुत अच्छा गुजरे, लेकिन मैं खुद भी खैर एंजॉय करता हूँ वर्कशॉप में. यार सीन ये हुआ कि यार मेरी जो गाड़ी है वो मेरे लिए बन चुकी है V8. मतलब एवरेज मुझे ये दे रही है तकरीबन 6 से 7 की, ठीक है? और तुम लोगों को पता है कि पेट्रोल कितना महंगा हुआ है. तो खैर 3-4 दफ़ा तो मैंने देखा, मैंने कहा शायद फ्यूल क्वालिटी अच्छी नहीं होगी. दूसरी दफ़ा फिर से मैंने पेट्रोल स्टेशन जो चेंज किया, पेट्रोल पम्प, खैर उसके बाद फिर वही हुआ. उसके बाद फिर मैं पिछले वाले के पास ही वापस गया, मैंने वहाँ से फिर वापस डलवाया पेट्रोल. इस दफ़ा मैंने कहा यार ज़रा थोड़ा सा ना देखते हैं कि यार वो क्या रहा है. तो वो मैंने लीटर्स देखे, फिर कैलकुलेट किया और एवरेज निकली अराउंड 6 की या 5 की. तो अभी आए हैं हम लोग तैमूर भाई के पास. तैमूर भाई आपके पास में बड़े तगड़े मैकेनिक मशहूर हैं, ठीक है? और अगर बात हम करें फ्यूल एवरेज की तो ये अभी हमें सेट करके देंगे. तो चलो जाके तैमूर भाई से मिलते हैं और गाड़ी का भी देखते हैं क्या सीन है. तो भाई ये हैं तैमूर भाई जिनका तुम लोगों को बताया था मैंने. क्या हाल चाल है तैमूर भाई? खैरियत से हैं तैमूर भाई. V8 लेके आया हूँ आपके लिए. इसका क्या लगता है आपको, क्या इशू हो सकता है? इसका पेट्रोल कंजम्पशन ज़्यादा है. अच्छा, तो अभी इसके प्लग स्टक खोल के चेक करते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी. क्या इशू वैसे लगता है क्या आपको, किस चीज़ का होगा? इसका प्लग का मसला भी हो सकता है. अच्छा, इंजेक्टर का भी हो सकता है. ठीक, चेक करते हैं ना किस भाई. ये तैमूर भाई मशहूर ज़माना है अब्दुबाद में, और कोई पेट्रोल का तुम लोगों के इशू आए या इलेक्ट्रिकल कोई भी फॉल्ट आए तो तैमूर भाई के पास पहुंचो दस्ती. तुम लोगों की गाड़ियाँ साथ रब्ता करें. हाँ जी, तैमूर इलेक्ट्रिशियन के साथ रब्ता करें. हाँ तो यार अभी प्लग्स निकलने लगे हैं गाड़ी के. तैमूर भाई प्लग्स क्या कहते हैं जी भाई? प्लग इसके खोले हैं अभी, ये ख़त्म है प्लग इसके. अच्छा, बिल्कुल ख़त्म है. इसकी ये टेप नज़र आ रही है. हाँ जी, ये बिल्कुल ख़त्म है. ये वाला ठीक है, गुजारा करता है ये वाला. नहीं, लेकिन सारी चेंज कर दें. ये जो गुजारा करता है ये बाकी तरफ से निकल जाता सारा पेट्रोल की सूरत में. तो मतलब यार प्लग्स आ चुके हैं, डस्ट पड़ चुकी है. गियर आपकी ट्यूनिंग में एक आ जाते हैं प्लग्स, दूसरा फिर अभी चेक कर रहे हैं वो कैट के. कैट तो जोक नहीं हुआ, वह देखते हैं कि क्या हिसाब है. बहरहाल इसमें रेडियम चोक हो गया. कैट भी चोक हुआ है, जिसकी वजह से बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, गाड़ी कमजोर तो नहीं है, हुई भी तो है बहुत. चोक है. अच्छा, कैट आपका चोक हो वो आपके फ्यूल एवरेज भी ख़राब कर देता है और उसके साथ साथ पिक भी आपकी फ़ारिग हो जाती है. और पता ये चला है कि अभी प्लग्स भी फ़ारिग हुए हैं और कैट भी चोक है. तो चलो बॉयज भाई, कैट खोलने के लिए अभी हम लोग भी आगे से पूरा खोलना पड़ेगा, बम्पर भी और इसकी ग्रिल भी. उसके बाद इसका कैट निकलेगा और उसका देखते हैं कि क्या हिसाब है. तब तक अब तैमूर भाई जो है इस गाड़ी को खोलते हैं, हम जाके प्लग्स का पता करके आते हैं कि यार काबली डलवाएं या नए डलवाएं. चलो. अच्छा, तो यार वो सामने है सरहद ऑटोज़, जहाँ से हमें प्लग्स नहीं मिले. अभी हम आए हैं ये न्यू खान मोटर्स है, जो कि फिर से वही अल्पाइन से थोड़ा सा आप आगे आओ, यहाँ पर आपको मिल जाता है. यहाँ से हमें डेंसो मिल गए हैं, बस अभी हम वेट कर रहे हैं वो पहुँच जाए तो फिर अंदर जाते हैं. यार ये है न्यू खान मोटर्स. अस्सलाम वालेकुम जी ज़फ़रान भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ज़फ़रान भाई आ गए हैं प्लग्स? हाँ जी आ गए हैं भाई. ये आपका ग्रीन और ठीक हो गया, ठीक हो गया. यार यहाँ पे सारे के सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, जापनीज़ गाड़ियों के भी, पाकिस्तानी गाड़ियों के भी, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी. ये बिल्कुल अल्पाइन होटल के साथ ही है, थोड़ा सा आगे आके. मिनी खुल चुकी है भाई, कटलेट कैट वगैरह इसका उतर गया है, बाकी सारी खुल चुकी है. अभी इसकी थ्रोटल बॉडी भी खोलते हैं, उसकी भी सफाई करवाते हैं. प्लग्स इसके आ गए हैं और देखते हैं अब कैट वगैरह क्या हिसाब है. अच्छा भाइयों, ये है कैट गाड़ी का. ये अंदर से इसकी जाली जो है ना, ये चौक थी. अच्छा, इसमें स्वीप डाला है तो ये हो गया, खुल गया. खुल गया, स्वीप डाला है तो
आधा एक घंटा छोड़े तो सारा जो कचरा है ना। ठीक है, बिल्कुल चौक था ये? बिल्कुल चौक था। चल फिट है, अभी ये साफ हो गया। देखो कल ये जाली में कुछ ये सुराख नजर नहीं आ रहे। ठीक है, ठीक है, सही हो गया। कैट वापस लग गया है, प्लग्स लग गए हैं और अभी हमारी थ्रॉटल बॉडी खुलने लगी है। उस्ताद थ्रॉटल बॉडी की क्या हालत है? उस्ताद की खुद गर्मी से हालत ख़राब हो गई है। अच्छा तो यार ये थ्रॉटल बॉडी खुल गई है और हाँ जी उस्ताद क्या हिसाब किताब है? खाली हुई हुई है लेकिन सारा गंद अंदर है, इसको साफ करेंगे, इस पे स्प्रे मारेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। बेहतरीन है। अभी ये ऑटो चौक खोलते हैं ना। ठीक है, इसको नरम करेंगे। हाँ जी वाजिद भाई, हो गया? क्या कुछ किया है? इसकी थ्रॉटल बॉडी साफ की है और प्लग बदले हैं और ये जो नीचे कट लगे हैं ना, ठीक है, साफ किए हैं। बस ये जाली लगा रहे हैं, बस अब सिर्फ पेट्रोल डालना और दौड़ानी है गाड़ी। चलें बस बेहतरीन हो गया। तो यार ये होती है कंप्लीट ट्यूनिंग, क्योंकि हम लोगों ने फिल्टर्स ऑलरेडी इसके सारे चेंज कर दिए थे और बस ये रहता था, ये भी हो गया। इंजेक्टर्स वगैरह की सारा कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी वो किया हुआ, साफ सुथरा है। तो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है ट्यूनिंग वाला सीन। यार अल्हम्दुलिल्लाह बारिश भी लग चुकी है, वापस आ गया हूँ और आज तुम लोगों को ट्यूनिंग का तो पता चल गया होगा कि ट्यूनिंग करवाते कैसे हैं और क्या क्या चीज़ें आपने करवानी होती हैं ट्यूनिंग के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, फ़िल्टर्स चेंज किए और ऑयल वगैरह चेंज किया और उनको लगता है कि ट्यूनिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेसिकली आपको कैटलिटिक कन्वर्टर भी का इसका कैट जो है वो साफ़ करवाना पड़ता है, प्लग चेंज करवाने पड़ते हैं, उसके साथ आपकी जो थ्रॉटल बॉडी है वो भी आपको करवानी पड़ती है। तो आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।